हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास ये लिनोवो का एक ऑल इन वन आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये लिनोवो का ऑल इन वन है। इसमें जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आई है हमारे पास स्लो इशू में। ये कुछ भी चलाते हैं बहुत ही स्लो चलता है, ओपन करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में या फिर ऑल इन वन में, अगर किसी लैपटॉप में इतना ज़्यादा टाइम लगता है तो हमारा जो कंडीशन ये बनता है कि हमारा इस डेस्कटॉप में ऑल इन वन में हार्ड डिस्क लगा होता है, जिसकी वजह से ऐसा इशू आता है। तो इस ऑल इन वन में हम अभी इसमें हार्ड डिस्क जो लगा है इसमें हार्ड डिस्क हटाएंगे और इसकी जगह पे SSD लगाएंगे। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद इसमें हम हार्ड डिस्क हटा के SSD लगाते हैं। तो अभी हम इसको ओपनर से ओपन करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। हम आपको एक सलाह और देना चाहते हैं कि लैपटॉप बहुत ही महंगे आते हैं और आप इसको किसी ऐसे वैसे लोकल सर्विस सेंटर पर मत दिखाओ, क्योंकि ये आपके लैपटॉप को और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। मशीन ही अच्छी होती है, ऑल इन वन मशीन जो होती है हमें कम ही स्पेस में यूज कर लेते हैं, ज़्यादा जगह भी कमी घेरती है और देखने में भी अच्छी होती है। और यूज करने में यदि हम बात करें इन मशीनों की, लेनोवो ऑल इन वन की यदि हम बात करें, तो ये कमर्शियल मशीन की तरह ही चलती है, डेस्कटॉप की तरह ही इसमें सारा कुछ होता है। स्क्रीन भी हमें इसमें बड़ी मिल जाती है और जो हैवी ड्यूटी का काम की बात करें तो काम भी अच्छे तरीके से करती है, ऐसा नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। मशीनें ऑल इन वन यदि आपने कम स्पेस में कंप्यूटर फिट करना है तो आप ऑल इन वन मशीन ले सकते हैं, लेनोवो की भी ले सकते हैं, ये हर कंपनी बनाती है इनको, लेनोवो, HP, डेल सब बनाता है। उनकी यदि हम बात करें तो ये कमर्शियल मशीन की तरह ही चलती है, डेस्कटॉप की तरह ही इसमें सारा कुछ होता है। स्क्रीन भी हमें इसमें बड़ी मिल जाती है और जो हैवी ड्यूटी का काम की बात करें तो काम भी अच्छे तरीके से करती है, ऐसा नहीं है कि इनमें प्रॉब्लम आ जाती है। मशीनें ऑल इन वन यदि आपने कम स्पेस में कंप्यूटर फिट करना है तो आप ऑल इन वन मशीन ले सकते हैं, लेनोवो की भी ले सकते हैं, ये हर कंपनी बनाती है इनको, लेनोवो, HP, डेल सब बनाता है। तो अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कैसे इसको खोलते हैं और खोल के इसमें हम SSD लगाएंगे। अब तो सबसे पहली बात तो इसको खोलने में ही काफ़ी हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, क्योंकि ये पूरा पैक होता है, इसको खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरा सब लॉकिंग सिस्टम है इसका, तो वही पूरा खोल रहे हैं इसको। ये हमने आप देखोगे सारे लॉकिंग इसकी खोल ली हैं, तो लॉकिंग के बाद ये इसको खोल के बाहर निकाल रहे हैं। इसमें केबल भी होती है तो ध्यान से खोलना चाहिए, हमारी केबल जूट टूट जाएगी झटका लग के। जो ये डिस्प्ले वाली केबल है इसको हमें बड़े प्यार से खोलना चाहिए, नहीं तो हमारा झटका लग के केबल टूटने का भी खतरा रहता है। जो नए बंदे होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो झटका मार के इसको ऊपर निकाल देते हैं, जिस वजह से हमारा कनेक्टर वगैरह भी टूट जाता है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से खोलें। तो ये आप इसमें देखोगे हमारा कि SSD कौन सी लगेगी इसमें, SSD जो लगेगी वो 60 SSD लगेगी। इसमें हार्ड डिस्क जो लगी हुई है डेस्कटॉप वाली लगी हुई है, रैम जो लगी हुई है वो लैपटॉप वाली लगी हुई है। तो ये ऑल इन वन का ही खेल है कि इसमें इस तरीके के सामान लगे होते हैं, अलग अलग तरीके के। ये हमारी मशीन अलग अलग हो गई है, ये आप देखोगे स्क्रीन है और ये हमारा यहाँ पे पूरा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, DVD वगैरह है। तो इसमें जैसा आप देखोगे हार्ड डिस्क बड़े वाली लगी हुई है, इसको हम नहीं वो कर सकते, तो हम कैडी लगा के SSD लगा देंगे, उससे भी हमारी स्पीड पे फर्क पड़ता है। तो हम DVD निकाल के इसमें SSD फिट करेंगे DVD की जगह। अब देखोगे ये पूरी धूल मिट्टी हो रखी है तो उसकी सर्विस करते हैं, ब्लोरी लगवा देते हैं इसमें। तो उसके हम DVD में SSD लगाएंगे, हार्ड डिस्क अपनी जगह ही रहेगी। हार्ड डिस्क को हम डिसकनेक्ट करते हैं क्योंकि विंडो डालने में हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्शन में ना आए, इसके लिए हम इसको हटा देते हैं। मदरबोर्ड पर से हमने इसका पावर का कनेक्टर हटा दिया है, नहीं तो हमारी ये डिटेक्शन में रहेगी तो हमारी विंडो करने में वो दिक्कत करेगी।
तो ये हमारा डीवीडी बाहर निकल गया है। अब डीवीडी में हम क्या करेंगे, कैडी लगाएंगे और कैडी में एसएसडी फिट करके इसमें ओएस वगैरह करेंगे। ये 240 GB हम इसमें एसएसडी लगा रहे हैं, न्यू ब्रांड न्यू। ये इसका जो फ्लैप होता है ये भी लगा देते हैं, नहीं तो हमारी अच्छे आगे से देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको भी हम इसमें फिट कर देते हैं। अब हमारी कैडी अच्छे से फिट हो जाएगी। ये हमने इसमें अपनी कैडी फिट करके पूरा फिट कर दिया। ये हम इसको फिट कर देते हैं, अभी हम प्रॉपर फिट नहीं करेंगे इसको। इंस्टॉलेशन करने के बाद हमें हार्ड डिस्क भी लगानी होगी, तो दोबारा से कनेक्शन करने होंगे, तो इसको हम नॉर्मली अभी फिट कर रहे हैं। नॉर्मली फिट करने का मतलब इसमें हम विंडो वगैरह डालेंगे, तो इसको केबल लगाना पड़ेगा, केबल कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको नॉर्मल फिट, इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो अब हम इसमें विंडो वगैरह कर रहे हैं। यदि आपके पास भी कोई भी ऑल इन वन हो जिसमें कोई स्लो वगैरह की प्रॉब्लम आ रही हो, डेड हो, नो डिस्प्ले हो, किसी भी प्रकार की ऑल इन वन मशीन हो आपकी, सूरज कंप्यूटर हर प्रकार की ऑल इन वन मशीन करते हैं, एप्पल की, लेनोवो की, एचपी की, किसी भी प्रकार की हो, किसी में स्लो का प्रॉब्लम हो, मदरबोर्ड का हो, तो हर प्रकार की मशीन रिपेयर करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।